Knowledge Park, the creative school, school for quality and innovative education. Embark Constructions, all types of buildings, house, shop. Haji Builders and Developers, beautiful home for sale with all facilities. नमस्कार, मैं वशरानी, आप देख रहे हैं बीके न्यूज। बीके न्यूज में आपका स्वागत है। के एस ईश्वरप्पा मिनिस्टर के खिलाफ बसो कल्याण ब्लॉक कांग्रेस प्रेसिडेंट के नेतृत्व में प्रोटेस्ट किया गया। कर्नाटक बीजेपी सरकार के मिनिस्टर के एस ईश्वरप्पा ने हाल ही में मीडिया को स्टेटमेंट देते हुए कहा कि दिल्ली के लाल किले पर तिरंगे के जगह पर केसरी ध्वज लहराएंगे। केसरी ध्वज हारसोदे प्रपंच हारस्ती इवन यारे केसरी ध्वज हारसरे ना इवती ना के कोटे मेलू कूड़ा देश हिंदू धर्म ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಕೆಂಪುಕೋಟೆ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತೇ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು 100 ವರ್ಷನೋ 200 ವರ್ಷನೋ 500 ವರ್ಷ ನಂತರನೋ ಭಗವದ್ ಧ್ವಜವೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜ ಆಗಬಹುದು। इसी स्टेटमेंट को लेकर कर्नाटक कांग्रेस पूरे कर्नाटक में प्रोटेस्ट कर रही है। प्रोटेस्ट कर इन्हें डिसमिस करने और इन पर देशद्रोही का केस करने की मांग कर रही है। इसी के चलते 21 फरवरी बसो कल्याण सिटी के अंबेडकर चौक पर ब्लॉक कांग्रेस प्रेसिडेंट मीर अजहर अली नवरंग के नेतृत्व में के एस ईश्वरप्पा के खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया और तहसीलदार के माध्यम से कर्नाटक गवर्नर को मेमोरेंडम दिया गया, जिसमें बताया गया कि के एस ईश्वरप्पा मिनिस्टर ने तिरंगे का अपमान किया है, इन्हें जल्द ही डिसमिस किया जाए और इन पर देशद्रोही का केस दर्ज किया जाए। इस मौके पर एक्सएमएलसी विजय सिंह ने बात करते हुए बताया कि बीजेपी के सीनियर लीडर ईश्वरप्पा ने हमारे फ्लैग का अपमान किया है, उसी को लेकर पूरे कर्नाटक में प्रोटेस्ट किया जा रहा है। ये देखो, पूरे राज्य में आपको मालूम होगा कि ईश्वरप्पा साहब जो हमारे राज्य के मंत्री हैं, बहुत सीनियर मंत्री हैं, एक बेजवाब सिल्क एंड सारी राज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लायंस एसवीएस टायर्स टोटल टायर सोल्यूशन इन वन यूनिट एक बेजवाबदारी स्टेटमेंट बोले हैं कि हम हमारा नेशनल फ्लैग निकाल के केसरी ध्वज लगाएंगे बोल के बोले हैं। ये नेशनल फ्लैग जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रकार हम लोग सब 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो, सब हम लोग सब उसको रेस्पेक्ट देते हैं और ये करते हैं, तो ये लोग उसको ही इंसल्ट करके ऐसा स्टेटमेंट दिया है। उसके खिलाफ हमारे सिद्धरामैया साहब सीएलपी लीडर और हमारे प्रेसिडेंट डीके शिवकुमार साहब और काउंसिल में बीके हरिप्रसाद साहब, ये सब लोग 5-6 दिन से जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसको सपोर्ट में, उसके सपोर्ट में हम लोग पूरे राज्य में ऐसा एक प्रतिभटन कर रहे हैं। सर, कर्नाटक के सीएम बोम्मई साहब ने कहा कि जो ईश्वरप्पा का जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है, उसमें कुछ गलत नहीं है, तो वो भी उनको समर्थन दे रहे हैं। वो भी उनको भी वो भी बोल रहे हैं कि केसरी फ्लैग डालना बोल के, वो भी समर्थन दे रहे हैं। कैसा समर्थन दे सकते हैं, फिर उन्हों भी रिजाइन करना पड़ेगा। फिर अब तो हम लोग ईश्वरप्पा उनका मांग कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट टाइम कौन दूसरा उनको सपोर्ट करे उनके बारे में भी हम रिजाइन दो बोल के बोलेंगे। सर, अभी इस तरह के जो मूवमेंट चल रहा है ये कब तक चलेगा अभी और उसको आगे क्या? जब तक वो रिजाइन नहीं करेंगे, कांग्रेस पार्टी ने डिसीजन लिया है कि हम ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू करेंगे। वर्ल्ड स्वप्निल म्यूजिकल इवेंट ऑर्गेनाइजर विद सिंगर स्वप्निल कुंभार। सर, कर्नाटक में इसके अलावा भी और एक जो हिजाब कॉन्ट्रोवर्सी चल रहा है, सर इसके बारे में आपका क्या कहना है? सर, हिजाब कॉन्ट्रोवर्सी देखो, उसका वो कॉन्ट्रोवर्सी नहीं है, जो लोग हिजाब पहनना चाहते हैं उनको अलाउ करना चाहिए, है ना। ये कॉन्ट्रोवर्सी नहीं है, ये कॉन्ट्रोवर्सी होना बोल के कॉन्ट्रोवर्सी कर रहे हैं। तो ये हाईकोर्ट का बार बार क्या है, इंटरिम ऑर्डर है कि हिजाब और केसरी शॉल स्कूल में डाल के मत जाए, फिर भी लेके क्या है, मैनेजमेंट रहते हैं, आउटसाइडर रहते हैं, वो बच्चों को हरासमेंट कर रहे हैं। एक तरह का देखा जा रहा है कि बुरखा निकालो, स्कार्फ निकालो बोल के जो लोग हरासमेंट कर रहे हैं उनपे, वो जो मैनेजमेंट हरासमेंट कर रहे हैं उनपे एक्शन लेना चाहिए। बसो कल्याण में जो प्रोटेस्ट निकाला गया है ये ईश्वरप्पा के खिलाफ निकाला गया है, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान आज़ाद होकर 75 साल हो गए और कानून बाबा अम्बेडकर साहब जो बनाए, कानून बना के 73 साल हो गए, और ये तिरंगा झंडा हमारे देश की शान है और इसमें हर आदमी का खून का बलिदान है। ये जो अंग्रेज़ों से जो 200 साल तक जद्दोजहद करके ये हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, कोई ईश्वरप्पा के घर का है ना कोई बीजेपी वालों के घर का है, ये तिरंगा हिंदुस्तान के हर पब्लिक की शान का है। अगर ये तिरंगे पे किसी ने आग भी उठाने की अगर कोशिश किया तो पूरे हिंदुस्तान की पब्लिक जैसा वो तो गोरों को भगई थी और वो ये गोरे जो हिंदुस्तान की जो आज़ादी में हिस्सा नहीं दिए गए ये बात कर रहे हैं।
जो आर्य समाज है, नथुराम गोडसे है, ये लोग हिंदुस्तान की आज़ादी में नहीं दिए और अंग्रेजों के हमेशा माफी मांगे, हाथ मुँह पड़े। इनका इलेक्शन आना है या तो राम होना, या तो हिजाब होना, या तो मुसलमान होना, या अब नहीं तो तिरंगा झंडा होना। ये लोगों के नापाक इरादे हमेशा कामयाब नहीं होंगे। ये नापाक इरादों के बाद हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलके बाबा अम्बेडकर के कानून पे चलेंगे, अगर उनके संविधान से तिरंगे झंडे को देखेंगा। और जब तक भी ये ईश्वरप्पा इस्तीफा नहीं देंगे, हमारे डीके सुकुमार और सिद्धारमैया साहब असलम से और ये प्रोग्राम हमेशा के वास्ते जारी रहेगा। कर्नाटक सरकार का पंचायत राज सचिव के एस ईश्वरप्पनवर राष्ट्रीय भारत राष्ट्रीय भावैक्यता संकेत त्रिवर्ण ध्वजद बे ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ದೇಶದ್ರೋಹ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ಭಾರತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜದ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಅವರು ಅವಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಮಂತ್ರಿ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಅವರು ಇಂಥ ಹೀನ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದು ಖಂಡನೀಯ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಸಚಿವರಾಗಲಿ, ಈ ಭಾರತದ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನಿಗೆ ಇದು ಶೋಭೆ ತರತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ಸಚಿವರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರದ ದರ್ಪದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ, ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ವಿರೋಧಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿಸ್ತೀವಿ. ಬ್ಲಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾರಿ ನೀಲ್ಕಂಠ ರಾಥೋಡ್ ಸರ್ ಅವ್ರ ಮೀರ್ ಅಜರಲಿ ನೌರಂಗ್ ಸಾಹಬ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಿ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಕಮೇಟಿ ಹೈ ಉಸ್ಕಿ ಜಾನಿಬ್ ಸೆ ಬಸೋ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕೆ ಅಂದರ್ ಭೀ ಜೋ ಹೈ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ರಖಾ ಗಯಾ ಥಾ ಕೆ ಬಸೋ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕೆ ಅಂದರ್ ಭೀ ಯೇ ಬಾತ್ ಕೋ ಜೋ ಹೈ ಜಾಹಿರ್ ಕರ್ನೆ ಕಿ ಕೋಶಿಶ್ ಕಿ ಗಯಿ ಅಬ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕಿ ತರಫ್ ಸೆ ಪೂರಿ ತರೀಕೆ ಸೆ ಕೆ ಹಮ್ ಜೋ ಭೀ ಬಾತ್ ದೇಶ್ ಕೆ ವಿರೋಧ ಮೇ ಹೋಗಿ ಜೋ ಹಮಾರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಕೆ ವಿರೋಧ ಮೇ ಹೋಗಿ ಹಮ್ ಉಸ್ಕೆ ಖಿಲಾಫ್ ಹಮೇಶಾ ಆವಾಜ್ ಉಠಾಯೆಂಗೆ. ಅಚ್ಛಾ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ವಾಲೆ ಕಹತೆ ಹೈ ಕಿ ಹಮ್ ದೇಶ್ ಹಿತ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಕರ್ತೆ ಹೈ ಲೇಕಿನ್ ಹಕೀಕತ್ ಬಾತ್ ತೋ ಯೇ ಹೈ ಕಿ ಕೋಯಿ ಸಂವಿಧಾನ ಬದಲ್ನೆ ಕಿ ಬಾತ್ ಕರ್ತಾ ಹೈ ತೋ ಕೋಯಿ ದೇಶ್ ಕಾ ಝಂಡಾ ಬದಲ್ನೆ ಕಿ ಬಾತ್ ಕರ್ತಾ ಹೈ. ಅಸಲ್ ಮೇ ಹಕೀಕತ್ ಬಾತ್ ಯೇ ಹೈ ಕಿ ಸಬ್ಸೆ ಜ್ಯಾದಾ ದೇಶ್ ವಿರೋಧಿ ಅಗರ್ ಕೋಯಿ ಬಾತ್ ಕರ್ತೆ ಹೈ ತೋ ಇನ್ಕೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಸ್ ಔರ್ ಎಮ್ ಪೀಸ್ ಔರ್ ಇನ್ಕೆ ಮಂತ್ರಿ ಕರ್ತೆ ಹೈ. ತೋ ಅಸಲ್ ಮೇ ಅಗರ್ ವಾಕೈ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ದೇಶ್ ಕೆ ಹಿತ್ ಮೇ ಅಗರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಹೈ ತೋ ವೋ ಚಾಹಿಯೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕೋ ಚಾಹಿಯೆ ಕೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಕೋ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಜೋ ಹೈ ರಿಸೈನ್ ಲೇ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಕಾ. इस मौके पर ब्लॉक कांग्रेस प्रेसिडेंट मीर अजहर अली नौरंग और कांग्रेस तालुका प्रेसिडेंट नीलकंठ राठौड़, एक्स एमएलसी विजय सिंह बाबू होन्ना नायक, सीएमसी प्रेसिडेंट शाहजान तनवीर शेख के अलावा कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे.